इत्थै भू माफिया एक्टिव होई गेदा, खनन माफिया एक्टिव होई गेदा, जम्मू दे लोकें खत्म करने दी पॉलिसी है और ये डेमोग्राफी साड़ी टोपोग्राफी जेड़ी है उसी चेंज करने दा जेड़ा इंदा ये चला दा षड्यंत्र ते साड़ी नौकरियां अस मैं बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि मैं देश के बाकी हिस्से भी रही आया ना। साढ़े बच्चे मेरा मानना है कि बाकी देश के बच्चे कन्ने अज भी कंपीट नहीं कर सकते। आया होया ना 228 बाइन छापा हियां 202 लखनपुर के पार आले कोल चली गई, पंजाब हरियाणा पता नहीं यूपी के कौन कौन, साढ़े 202 परिवार तुसें बेले करी ओड़े। देश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त बंदा जो DDC नहीं जीती सकिया, रविंदर राणा जी जड़ी मर्जी सीट पर जीती लो, सॉरी जिहड़ी मर्जी सीट पर तुस इलेक्शन लड़ लो, जमानत के जब्त होनी है क्योंकि बड़ा बेवकूफ बनाई लिया तुसें सानू। कदम उठाया है तो चलो, अगर आपने एक लकीर खींची है तो उसको थोड़ा और लंबा करते हैं। दिल्ली का जो जेतली स्टेडियम है उसका नाम क्यों ना बदला जाए, उसको क्यों नहीं हम वीरेंद्र सहवाग स्टेडियम। इस तरह से पॉलिसियां लाता रहा तो ऐसे युवा को इतराज है, जी हाँ, और ये आवाज जो है एक आंदोलन में ना बदल जाए, ये आम जनता की आवाज है। बोलता है तो वो कम्युनिस्ट, मेरे जैसा कोई एक्टिविस्ट बोलता है तो वो देशद्रोही। मैं आपसे कह रहा हूँ ये मुबारक वाली बात है कि मेजर ध्यानचंद जी को उनका हक मिला, उनके साथ मेरे साथ चलिए मैसूर पैलेस देखेंगे, आपको लगेगा कल बना हुआ है। रोज 1 करोड़ रेवेन्यू आता है कर्नाटक सरकार को वहां से, देश विदेश से सैलानी उस पैलेस को देखने जाते हैं, जो लोकल कन्नड़ी लोग हैं वहाँ के, कर्नाटक के लोग हैं वो भी, क्योंकि स्पोर्ट्स फ्रेटरनिटी के लोग जो स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुई संस्थाएं थी वो बड़ा तड़प रही थी, उनको शांत करने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए और देशवासियों की भावनाओं को जगाने के लिए ये स्टेप, ये कदम। जो साहित्य का अवार्ड दिया जाएगा वो किसी साहित्यकार के नाम पर होना चाहिए, किसी पॉलिटिशियन के नाम पर नहीं होना चाहिए। लकीर खींची है तो अब लंबी करो मोदी जी, अब नहीं मैं आ रहा हूँ। अगर किसान बोलते हैं तो वो भी देशद्रोही, क्या वो 700 किसान जो शहीद हो गए वो देशद्रोही थे, जो 45 डिग्री की गर्मी में और 2 डिग्री की सर्दी में दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे, मुझे बताइए क्यों ना गुजरात के मोदी स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल के मिल्खा सिंह स्टेडियम किया जाए, पीटी उषा स्टेडियम किया। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ, इस वक्त फिर एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों सभी जानते हैं कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न अवार्ड का नाम जो है वो रखा गया। इसी के चलते आज हमारे साथ रितेश जी हैं जो कि एक सोशल पॉलिटिकल समाज सेविक भी हैं और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमेशा हम देखते आए हैं जब भी केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से जब भी कोई एक फैसला लिया जाता है, लेकिन ये कैसे व्यक्ति हैं जिनको कोई ना कोई आपत्ति जरूर होती है। आज फिर इनसे जानेंगे कि आखिर इनको इस चीज से आपत्ति तो नहीं। पहले तो रितेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रितेश जी। जैसे कि आपने सुनी लिया होगा हमने अभी क्या बोला कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम से खेल रत्न अवार्ड जो है वो रखा गया, इस पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं या फिर इसमें भी कोई आपत्ति है? पहले तो मैं आपका और स्टेट समाचार का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मुद्दे पे बात रखने का मौका दिया गया। आपके माध्यम से मैं सारे देश को, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि खेल से जुड़े लोगों की, स्पोर्ट्स फ्रेटरनिटी के साथ जो लोग जुड़े थे उनकी और पूरे देशवासियों की डिमांड थी कि हॉकी के ब्रैडमैन जिनको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को, हॉकी के जादूगर जिन्होंने भारत को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाए, ऐसा कोई ओलंपिक नहीं उनके खेल के दौरान जिसमें वो उन्होंने भारत को मेडल नहीं दिलवाया और भारत को उन्होंने वर्ल्ड कप, हॉकी के वर्ल्ड कप को भी जितवाया हुआ है। तो बड़ी पुरानी डिमांड थी, बड़ी मुबारक वाली बात है कि उनके नाम पर खेल रत्न अवार्ड को किया गया, लेकिन आपत्ति तो है। आपत्ति ये है कि एक दिवंगत प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में कंप्यूटर क्रांति लाई, देश में मोबाइल क्रांति लाई और अपनी शहादत देश के लिए दे दी, और जब उनकी शहादत हुई, असैसिनेशन हुई, ये भी नहीं पता कि किस किस का टुकड़ा उठा के और इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार किया गया, उस प्रधानमंत्री, उस राजीव गांधी के नाम पे खेल रत्न अवार्ड था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आपने एक का घर तोड़ के दूसरे का घर बसा दिया, इसमें आपत्ति है। और मैं बताता हूं आपको, ये सिर्फ
खेल के साथ जुड़े हुए लोगों को खुश करने के लिए और देश के देशवासियों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए ये कदम उठाया गया है। मैं आपको आपको क्या लगता है कि ये अवार्ड किसके नाम से? नहीं, वो मैं वहां पहुंचता हूं। बहुत अच्छा किया, मैंने कहा बहुत अच्छा किया। ये किया क्यों वो बताने लगा हूं अभी। हॉकी का बजट 2020 में था 2826 करोड़ और केंद्र सरकार ने 2021 में, सॉरी हॉकी का नहीं, स्पोर्ट्स का बजट 2826 करोड़ था और 2021 में केंद्र सरकार ने स्पोर्ट्स के बजट में 230 करोड़ 78 लाख की कमी लाई। जैसे दिव्यांग तड़प रहे हैं ना, उनका भी 150 करोड़ का बजट काटा, इनका 230 करोड़ 78 लाख। अब बजट जो है इस बार 2596 करोड़ किया गया, ठीक है जी। तो क्योंकि स्पोर्ट्स फ्रेडरी के लोग, जो स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुई संस्थाएं थी, वो बड़ा तड़प रही थी, उनको शांत करने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए और देशवासियों की भावनाओं को जगाने के लिए ये स्टेप, ये कदम उठाया गया। पहले तो शायद आज हम हमेशा आपसे बात करते आए, हमने कल भी आपका इंटरव्यू देखा, परसों भी देखा, आप लगातार जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिप्पणी जो है वो जरूर करते हैं इनके फैसलों को लेके। लेकिन आज जनता शायद जब भी आपका इंटरव्यू देखती है वो ये सोचती है आखिर रितेश जी किस पार्टी से आए, भाजपा से हैं या फिर कांग्रेस की बात नहीं जो है वो बोल रहे हैं? रितेश जी देश की पार्टी से, क्योंकि यहाँ पे देशद्रोही का टैग लगाया जा रहा है, जो 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 केंद्र के खिलाफ बोल रहा है, जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो उस पे देशद्रोही का टैग जो है वो जरूर लगेगा। मैं आ रहा हूँ ना, अगर किसान बोलते हैं तो वो भी देशद्रोही। क्या वो 700 किसान जो शहीद हो गए वो देशद्रोही थे, जो 45 डिग्री की गर्मी में और 2 डिग्री की सर्दी में दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे वो देशद्रोही थे? किसान बोलता है तो वो खालिस्तानी, कोई स्टूडेंट बोलता है तो वो कम्युनिस्ट, मेरे जैसा कोई एक्टिविस्ट बोलता है तो वो देशद्रोही। मैं आपसे कह रहा हूँ ये मुबारक वाली बात है कि मेजर ध्यानचंद जी को उनका हक मिला, उनके साथ इंसाफ हुआ। लेकिन राजनीति के चश्मे से भी आप इसको देखो, कुछ लोगों को शांत करने के लिए और कुछ लोगों का, बोले वाले लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कदम उठाया। मतलब कि एक लॉलीपॉप जो है फिर हाथ में थमाया जा रहा है, स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए लोगों को खुश करने के लिए ये किया गया है और देशवासियों का ध्यान महंगाई से भटकाने के लिए ये कदम उठाया गया। आपका कहने का मतलब है और भी स्पोर्ट्स वाले हैं, उनके नाम पे क्यों नहीं रखा गया फिर? तो नहीं, मेजर ध्यानचंद जी डिजर्व करते थे, मेजर ध्यानचंद जी तो भारत रत्न भी डिजर्व करते हैं, ये भी कम है उनके लिए। मैं उनके लिए खुश हूं, लेकिन मैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के लिए आज बड़ा दुखी हूं, क्योंकि अगर आपने ये कदम उठाया है तो चलो, अगर आपने एक लकीर खींची है तो उसको थोड़ा और लंबा करते हैं। दिल्ली का जो जेटली स्टेडियम है उसका नाम क्यों ना बदला जाए? अब उसको क्यों नहीं हम वीरेंद्र सहवाग स्टेडियम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी दिल्ली से हैं, गौतम गंभीर स्टेडियम करें, क्योंकि जेटली साहब का क्रिकेट में क्या योगदान है मुझे बताइए। क्यों ना गुजरात के मोदी स्टेडियम का नाम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल के मिल्खा सिंह स्टेडियम किया जाए, पीटी उषा स्टेडियम किया जाए, पुलेला गोपीचंद स्टेडियम किया जाए, सानिया मिर्जा स्टेडियम किया जाए। मेरी आपत्ति ये है कि अब लकीर खींची है तो लंबी करो। अब जो कला का अवार्ड दिया जाएगा वो किसी कलाकार के नाम पे होना चाहिए, अब जो साहित्य का अवार्ड दिया जाएगा वो किसी साहित्यकार के नाम पे होना चाहिए, किसी पॉलिटिशियन के नाम पे नहीं होना चाहिए। लकीर खींची है तो अब लंबी करो मोदी जी, अब नहीं रुकना, ये सरासर राजनीति दिख रही है जी। रितेश जी, बातों ही बातों में एक सवाल जो है मन में उत्पन्न हो रहा है कि हाल ही में अभी हमने देखा था कि आपने एक मुद्दा और उठाया था जम्मू के हेरिटेज मुबारक मंडी को लेकर, जहाँ पे होटल बनाया जा रहा है, इसमें आपको मतलब कि बात समझ नहीं आ रही कि होटल तो बन रहा है, हेरिटेज को डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, उसको रिपेयर करने की, उसको सुंदर बनाने की बात हो रही है, लेकिन आप क्यों नहीं सहमत है इस चीज से? रवि जी, क्योंकि मैं देश के अलग अलग हिस्सों में रहा हूँ, मेरे साथ, क्योंकि मैं कर्नाटक के मैसूर में, जो बेंगलोर से 150 किलोमीटर आ गया, वहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे मैं 4 साल रहा हूँ। वहाँ का जो पैलेस है वो है मैसूर पैलेस, तो मैसूर सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने उसको क्यों नहीं हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया? मेरे साथ चलिए मैसूर पैलेस देखेंगे, आपको लगेगा कल बना हुआ है। रोज 1 करोड़ रेवेन्यू आता है कर्नाटक सरकार को वहाँ से, देश विदेश से सैलानी उस पैलेस को देखने जाते हैं, जो लोकल कन्नड़ी लोग हैं वहाँ के, कर्नाटक के लोग हैं, वो भी देखते हैं, क्योंकि वो उनकी भी धरोहर है, उनकी विरासत है, पहला राइट उनका बनता है। वो महल के अंदर, उन्होंने 100-150 रुपये टिकट रखी हुई है, महल के अंदर देखते हैं अपने राजा की चेयर देखते हैं, उनके कपड़े देखते हैं, उनकी तलवारें देखते हैं, हमारे राजा कैसे थे,
और उनके एक एक कमरा देखते हैं। जब आप मुबारक मंडी को, जहाँ पे हमारा दरबार लगता था, जो डोगरों की विरासत है उसका आपको संरक्षण ही करना है, उसका हेरिटेज ही करना है, उसको हेरिटेज होटल क्यों बनवाना है, फिर क्या होगा अगर वो हेरिटेज होटल बन गया? आप वहाँ नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता, वहाँ कम से कम किराया होगा, वो 5 स्टार 7 स्टार बनेगा, तो किराया होगा एक रात का कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये, तो हम तो उसके कमरे भी जान के नहीं देख सकते, हमें तो अंदर भी नहीं घुसने देंगे वो। मतलब कि आपका कहने का मतलब है लोकल लोगों के लिए वो एक हमारी विरासत हम नहीं देख पाएंगे। आप उसको वैसे ही जैसे मैसूर पैलेस डेवलप हुआ है, आप मुबारक मंडी पैलेस को भी डेवलप करो वैसे ही, और टिकट रखो, सैलानी आएंगे, टूरिस्ट बढ़ेगा, जम्मू के लोगों का व्यापार बढ़ेगा, कम से कम जम्मू के डोगरे भी तो देख सकेंगे। और ये इस फैसले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये हिम्मत की कि उसको हेरिटेज होटल में, हमारी धरोहर को हेरिटेज होटल में बदलने की कोशिश की, तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा राबिया जी। यो क्या होगा, फिर हालात हाथ से बिगड़ जाएंगे, डोगरे चुप नहीं रहने वाले। डोगरों के साथ तो रितेश जी अभी तक हमेशा जो है अगर देखा जाए तो इंसाफ कहाँ हुआ है। लेकिन हाँ, आप ये बताइए, अभी हाल ही में 370 टूटने की और 35 से टूटने की खुशी आज पूरे देखा गया, हलवे बांटे गए, जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ कोने कोने में भी उसका जश्न मनाया गया। आप कितने खुश हैं? आखिर इन 2 सालों में विकास जो था वो कहाँ, क्या विकास आपने 370 हटने की खुशी में देखा? मैं तो वापिस आपसे पूछता हूँ कि 2 साल हो गए, 5 अगस्त 2019 जो इन्होंने ख्वाब दिखाए थे कि 370 हम तोड़ देंगे, 35 तोड़ देंगे, तो विकास होगा कहाँ? विकास मुझे तो कहीं विकास नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा है तो आप मुझे बता दो। हाँ, क्योंकि मैं डोगरा हूं, मैं उन डोगरी से गल करना चाहना। डोगरे ने तुहें धक्का करी उड़िया, डोगरे ने तुहें गलत करी उड़िया, तुसें साढ़े जम्मू के अरे पता लगना 2 साल 4 साल 5 साल बाद जल्द सप्प निकली आना नहीं डंडा पिटना, ओले मेरे डोगरे भ्राएं जिन्हें अजे भी नहीं जागे हैं उन्हें ओले जागना, साड़ी जमीन ते साड़ी नौकरियां अस मैं बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मैं देश के बाकी हिस्से भी रही आया ना, साढ़े बच्चे, मेरा मानना है कि बाकी देश के बच्चे कन्ने अज भी कंपीट नहीं कर सकते, साढ़ा एजुकेशन सिस्टम बड़ा पिछड़े दा, कल दी पैदा हुई दियां स्टेटां कुदे पुजी गईयां, उंदा एजुकेशन सिस्टम कुदे, अस नहीं कंपीट कर सकते। तुसें बाहर आले इत्थां नहीं बसाना। एक छोटी एग्जाम्पल, ताया ताया होया ना 228 बाइन छापां हियां, 202 लखनपुर के पार आले कोल चली गईयां, पंजाब हरियाणा पता नहीं यूपी के कौन कौन, साढ़े 202 परिवार तुसें बेले करी उड़े, और 202 परिवार बेले नहीं होए, उस हर एक वाइन शॉप पर कुसे पर 2 कुसे पर 4 कुसे पर 5 मुड़े काम करदे, तुसें 400-500 परिवार बेला करी उड़िया, रोजगार ते तुस दिया दे नहीं, तुस छीना दे हो और उल्टा ला दे, उल्टा तुस लै दे, और बिजली का तुसें ठेका कुछ दिता। इत्थै भू माफिया एक्टिव होई गेदा, खनन माफिया एक्टिव होई गेदा, जम्मू दे लोकें गी खत्म करने की पॉलिसी है, और ये डेमोग्राफी साड़ी साड़ी टोपोग्राफी जिहड़ी है उसी चेंज करने का जिहड़ा इंदा ये चला दा षडयंत्र, असें कामयाब नहीं होन देना, असें डोगरें कामयाब नहीं होन देना, बहुत हो गया, बहुत आखना चाहते हो अंत च की आखना चाहते हो अज जनता जिहड़ी है तुहानू सुना दी है? अंत च ये आखना चाहना कि डोगरे जागा दे, बड़े हद तक जागी गए, बहुत बेवकूफ बनाई लिया तुसें तिरंगे चकाई चकाइए, साढ़े कोला मता प्यार नहीं तुस हिंदुस्तान ही करते, लेकिन सानू पता तुस तिरंगे जेहड़े तुंदे चकाने दे के मंशा दे, साड़ी के मंशा है, बहुत हो गया रविंदर रैना जी, ये भारत माता की जय, हमसे बड़े आप भारत प्रेमी नहीं हो, अब आपको अच्छा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त बंदा जो DDC नहीं जीती सकिया, रविंदर रैना जी जड़ी मर्जी सीट पर जीती लो, सॉरी जड़ी मर्जी सीट पर तुम इलेक्शन लड़ लो, जमानत के जब्त होनी है, क्योंकि बड़ा बेवकूफ बनाई लिया तुसें सानू, हूं नहीं बंदे तुसें सानू बड़ा धक्का दिता, साड़ी जमीना ते साड़ी नौकरियां राइट साढ़े कोल लेइए, हूं बर्दाश्त नहीं करना। जय डोगरी, जय डुगर, जय हिंद। दोस्तों ये थे हमारे साथ रितेश गुप्ता जी, इन्हीं के मुंह से सुन लिया आपने कि अगर केंद्र इस तरह से पॉलिसियां लाता रहा तो ऐसे युवा को इतराज है। जी हाँ, और ये आवाज़ जो है एक आंदोलन में ना बदल जाए, ये आम जनता की आवाज़ है। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, मैं राबिया खजूरिया दैनिक स्टेट समाचार से, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।